पापी चोलरे अभिमान भरे तोर तन में, अभिमान भरे तोर तन में। আমার এই মেসেজ থাকবে যে আমরা যে মানুষরা যে ভ্যালুসটা মূল্যটা ভুলে গেছে সেটা ফেরত আসতেই হবে। আর কলকাতা মানে পুরো বাঙালটা এখান থেকে স্পিরিচুয়ালিটি শুরু হয়েছিল। উই শুড গো ব্যাক টু স্পিরিচুয়ালিজম ফর আ বেটার সোসাইটি। আই থিঙ্ক দিস ইলাস্ট্রেটস হাবিব সাহেবস অ্যাটিটিউড টু লাইফ এন্ড দিস রিচার্ড প্রোডিউসারস অ্যাটিটিউড টু লাইফ। मैंने कभी हबीब साहब के साथ काम नहीं किया, मेरी बदकिस्मती। आई थिंक अराउंड 1995 उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई अगर बाजार में काम करोगे तो मैंने कभी शुरू करूंगा तो कब, बट समहाउ द टाइम डिडंट वर्क आउट और मैं नहीं उनके साथ काम कर सका। एनीवे मैंने अभी तनवीर साहब का नाम सबसे पहले बार सुना अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। पापी चोलरे अभिमान भरे तोर तन में, अभिमान स्टोरी एंड आई थिंक आई मेड नॉट सच अ गुड फिल्म, बट आई अपोलोजाइज टू अभी तनवीर और समबडी, बट यू नो आई बिकेम अ बेटर फिल्म मेकर आफ्टर दैट बिकॉज़ in my interaction with, because I was in Bombay and I'd met a certain set of people and I did, wasn't that affected by them and didn't want to be that affected by them, and trying to find my own voice, and I made a pretty over dramatic angry film which I'm a little embarrassed by, except for that face of Habib Tanveer. I knew Habib sahab only as Uncle Habib Uncle या हबीब साहब बाद में। मेरी माँ के बहुत अच्छे दोस्त थे, उनके साथ उनके घर जाया करती थी, उनके नगिन के साथ बहुत खेली हूँ मैं बचपन में, उनका जो माहौल था पूरा उसमें हम लोग घुमा करते थे। सो आई ओनली सॉ हिम एज माई मदर्स डियरेस्ट फ्रेंड। बाद में जब फाइनली बड़ी हुई और उनके नाटक देखना शुरू किया तब समझ में आया कि वॉट दिस मैन हैज इंट्रोड्यूस्ड टू मी। पहले मुकुट तलवार संभाले अभिमान भरे तोर तन में, अभिमान भरे तोर तन में। पापी चोलरे अभिमान भरे तोर तन में, अभिमान भरे तोर तन। She was quiet and I said I have to have access to the material of your videos and other things, we need it. Dilly dallying and finally to cut the whole story short, nothing came out of that. Nothing. I came 3 hours. I went to the department there, documentation department. There were VHS footage of his interviews, which was in terrible shape, and we could take only 2 minutes or 3 minutes out of it. But we put our heads together. We said, Habib is a person who needs to be relocated in today's time. बड़ा अच्छा लग रहा है और ये होते रहना चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कलकत्ता क्या और भी जगह होना चाहिए, क्योंकि ये जो जीनियस पर्सनालिटी है उसके बारे में जिन्होंने इतना थिएटर किया है, सबको बहुत कुछ थिएटर की वजह से दिया है, ज़िंदगी का सलीका सिखाया, थिएटर करने का सलीका जो सिखाया है, तो ये तो सब जगह होना चाहिए, सिर्फ कलकत्ता ही में क्यों। इससे लोगों को सबक सीखना चाहिए कि जब यहाँ के लोग कर सकते हैं और भी जगह पे होना चाहिए ना, क्योंकि तभी हमारा ये कल्चर और हमारा ये जो म्यूजिक बहुत सारी चीज़ें जो बच पाएंगे। कैमरा चिरंजीत के साथ रिया रिपोर्ट एस न्यूज़।